हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा पाँचवीं की एट ग्रेड अभ्य पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी गणित की। ठीक है, जो गणित की आपको एट ग्रेड अभ्य पुस्तक मिली है नई वाली 2024-25 की, जो स्कूल द्वारा दी गई है आप लोगों को भरने के लिए। तो आपको किस प्रकार से भरना है, तो मैंने पार्ट एक से लेकर पार्ट पाँच तक का संपूर्ण सोल्यूशन आप लोग सामने करा दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोग सामने पार्ट छः का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो कक्षा पाँचवीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग अपनी मतलब कि गणित की पार्ट छः को भर लें। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लगा पार्ट छः, मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा। ठीक है, ये पार्ट का नाम है। ठीक है, इसको हम संपूर्ण सोल्यूशन करेंगे। तो देखो, सब पता आप लोग चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो पेड़ दिए गए हैं तो इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ताकि आपको आगे चल के जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर हम लोग लिखेंगे। तो पहला लगा अब स्थिति पर विचार करें। ठीक है, तो पहले इसको समझ लें। समझने के बाद जस्ट नीचे आपको इस प्रकार से काट दे जाना है, फिर आपको सामने यहाँ पर इस प्रकार से पूरा हल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3×4 कर देना तो 12 आ जाएगा, या 4×4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, हम 4×2 करेंगे तो 8 आएगा, या 2×2 करके हम 4 बार जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि या तो हम गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं या जोड़ करके भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग अपने बुक में लीजिए, भर लीजिए वीडियो को रुक कर। आगे समझें, चलिए अगला देखते हैं। इसमें लगा उदाहरण से देखें और समझें, पहले इस उदाहरण को देख लें और समझ लें। ठीक है, अब चलो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर घटाना है, अब घटाना हम लोग सभी लोग जानते हैं, तो इस प्रकार से आगे अपन घटाना मिलेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, सही उत्तर चुनकर लिखना, नहीं सही विकल्प करना है। तो इसमें इनमें से कौन सी संख्या 7 के गुणज नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो अपना हुआ 27। ठीक है, तो ये 7 का गुणज नहीं है। अगला आपके सामने 15 में लिखा है, बाकी दूसरा ऑप्शन जिन्हें 15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है, जो 15 और 25 का सबसे छोटा साझा जिसमें 75 है। अब डी वाले ऑप्शन है, आपको डी वाले पे राइट ऑप्शन लगा देना और डी वाले पे आपको इस प्रकार से यहाँ पर भर देना, मतलब कि इसमें तो आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए पे ऐसे भर दें, इसमें डी है तो डी वाले पे ऐसे ऐसे भर दें। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर लिखा तो यहाँ पर हमको 75 लिख देना है। इसी प्रकार से आप सभी विकल्प में ऐसे ही करना है। अब अगला तीसरे विकल्प में लिखा है, मोनू ने 2 रुपये के खुले रुपये मांगे, सोनू ने 5 रुपये के खुले रुपये मांगे, किस मूल्य का सिक्का दोनों को मिलेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 रुपये का। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 1। तो इस प्रकार से आपको राइट कर लगाना, और यहाँ पर इस प्रकार से ए में भर दें और यहाँ पर आप 1 लिख दें। अगला आप सामने चौथा जिसमें लिखा है, 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है, तो कितना है, तो ये हो जाए 12। तो 12 हो जाएगा, इसमें आपको ए ऑप्शन पर आपको ऐसे ऐसे कर दे रहा है। फिर आ जाता है आप लोग सामने पाँचवा लिखा है, 6 एवं 9 के प्रथम 2 समाज साझा गुणज लिखिए, 6 एवं 9 की साझा गुणज, तो अपना हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, जिसमें लगे 18 बाद 36। ठीक, 18 बाद 36, तो डी ऑप्शन है, तो डी पे हमें ऐसे ऐसे भर देना है, हम 18 36 नीचे लेकर उत्तर में लग देंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने आया है, 5 आपके सही विकल्प पूरी तरह से कम्प्लीट हुए। अब हम करेंगे प्रश्नों को, मतलब प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज हैं, तो ये आपके हैं 7 के, किसके हैं 7 के, तो आपको 7 पर राइट 7 लिख देना है। फिर आपके सामने संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16, 20, तो ये हो जाएंगे आपकी का इसके गुणज। अगला आपके सामने संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज, तो इसमें 6, 12, 18, तो इस प्रकार से आप लोग उसको भर सकते हो। 8वां लगा है, 8 ऑप्शन है, संख्या 3 एवं 4 के दोनों साझा गुणनखंड लिखिए, तो 3 के हम जे लिखेंगे, 4 के जे लिखेंगे, 3 के हो जाएंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21, और 4 के 4, 8 हैं यहाँ पर ना जी 10 लिखा, 12 लिखा, 12, 20, 38, 28, 32, तो इस प्रकार से आप लोग इनको भी लिख लें। 8वीं का आंसर जी हो जाएगा। 19वीं का देखते हैं, 9 प्लस में लगा 10 और 15 की सबसे छोटा साझा गुणनखंड, तो मैंने लिखा 10 का लिखना है, तो 10 का लिखेंगे तो 10, 20, 40, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 15, 45, 75, तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना जैसे मैंने लिखा, और नीचे लिख देना सबसे छोटा साझा गुणनखंड 30 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए, तो संख्या 12 के गुणनखंड लिखना है, तो इसमें लिखे हम 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो इसको हम पूरा लिख लेंगे अपनी बुक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लगा संख्या 24 एवं 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखिए, तो इसमें आ जाएगा 24 और 30 के साझा गुणनखंड 1, 1, 2, 3, 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अब हल करेंगे तो हल इस प्रकार से करेंगे, 24 के गुणनखंड आपके जी आ जाएंगे और 30 के गुणनखंड जी आ गए, जो कि आप लोग वीडियो को रुका है पूरी तरह से लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा संख्या 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए,
तो अपन का क्या सबसे बड़ा सहायक ग्रंथ, तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक मिनट थोड़ा ऊपर हो गया ये है, यहाँ पर हम लोग लेंगे 15 और यहाँ पर लेंगे 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 और 45 के 1, 3, 5, 15, 45। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लगा संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे हम और यहाँ पर 36 लिखाइए। तो 12 लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से गुणनखंड कर दिया है, तो 12 के गुणनखंड जी आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 के गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 36 गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 और 12, 24, 36 का इसमें गुणनखंड 12 है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा पूरा आंसर आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14, एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, ठीक है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लगाती है, यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाए शुरू करें तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो आप लोग रहे हैं, बंदर 2 छलांग लगाएगा 3×6 हो जाएगा, बिल्ली 3 छलांग लगाएगी 3×6 हो जाएगा, तो बिल्ली और बंदर के 6 मीटर पर एक साथ कदम मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा पूरा आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 में लिखा है, एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी है, 40 सेंटीमीटर चौड़ी है, मोनू के पास 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर चौको रंगीन कागज उपलब्ध हैं, उसे कोने से आकार के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए ताकि उन्हें बिना कांटे लगा सके, बताइए यह माप कैसे ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सी बात है, आपको लिखना है सोनू को 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर की रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए, इस माप का वह कागज के माध्यम से भी ज्ञात कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन 15 का आंसर पूरी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, इनमें से 3 की नीचे बनाइए, तो 36 के 2 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 2, 9, 8, 3, 4, 9, 2, 2, 3 इस प्रकार से बना लेंगे, इसी प्रकार 36 बना लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का वीडियो को रोक कर लिख लें जैसे मैंने लिखा वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा 6, 8 के 100 से छोटे अभी सवाज गुणन लिखिए, तो चलिए हम 17 में आंसर देते हैं, 17 में 6 के गुणज जे हैं आपके और 8 के गुणज जे हैं, ठीक है, और साझा गुणज अपन लोग जे होंगे इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक के आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक के पूरे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, 28, 42 और 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14, 28 और 42 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 7, 14, 41 और 56 के बजाय 1, 2, 4, 6, 8, 14, 28, 56 मतलब सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग जानो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लगा ऊपर बने दोनों गुणनखंडों को पेड़ों में कौन सी संख्या साझा है, तो आप लोग साझा संख्या 23 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग जानो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कम्प्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जिसमें लिखा है, एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, उस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगी हो सकती है ज्ञात कीजिए, तो आंसर लिखना है बगीचे की संपत्ति लंबाई बाजू गुणा चौड़ाई में, ठीक है, 8 लंबाई हो जाएगी 9 चौड़ाई बराबर 72 वर्ग मीटर, 9 लंबाई तो 8 चौड़ाई मतलब 72, 12 लंबाई 6 चौड़ाई तो 72, तो इस प्रकार से टोटल अपना 72 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आ कक्षा पाँचवीं का एट ग्रेड अभ्य पुस्तक गणित का पार्ट जो आपका जो 6 था वो पार्ट 6 कम्प्लीट हुआ है। अब इसके आगे वीडियो आएगी पार्ट 7 की, अगर आप लोग उसका संपूर्ण सोल्यूशन इसी प्रकार से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।